चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर 10वीं बार आईपीएल के फाइनल में अपनी जगह बना ली। चेन्नई ने 15 रन से जीत हासिल की। चार बार चैंपियन बनने वाली चेन्नई की टीम ने शानदार वापसी की है। वो पिछले सीजन में प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाई थी। धोनी की कप्तानी में अब टीम 5वीं बार चैंपियन बनने के लिए 28 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उतरेगी। दूसरी ओर गुजरात इस हार के बाद बाहर नहीं हुई है। उसे फाइनल में पहुंचने का दूसरा अवसर मिलेगा। वो 26 मई अहमदाबाद में क्वालिफायर 2 में खेलेगी। वहां उसका मुकाबला मुंबई इंडियंस या लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। मुंबई और लखनऊ के बीच बुधवार 24 मई को एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। इस मैच में जीतने वाली टीम क्वालिफायर 2 में जाएगी। चेन्नई से मिले 173 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात की टीम ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। गुजरात के लिए शुभमन गिल ने 38 गेंद पर सबसे ज्यादा 42 रन बनाए। राशिद खान ने आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाए, लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला सके। राशिद ने 16 गेंद पर 30 रन बनाए। दसुन शनाका ने 17, विजय शंकर ने 14 और रिद्धिमान साहा ने 12 रन बनाए। कप्तान हार्दिक पांड्या 8, मोहम्मद शमी 5, डेविड मिलर 4 और राहुल तेवतिया 3 रन बनाकर आउट हुए। नूर अहमद ने नाबाद 7 रन बनाए। दर्शन नालकंडे खाता नहीं खोल सके। चेन्नई के लिए दीपक चाहर, महेश तीक्ष्णा, रविंद्र जडेजा और मधीशा पथिराना ने 2-2 विकेट लिए। तुषार देशपांडे को एक सफलता मिली। और ऐसे ही क्रिकेट की गर्मागर्म अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।